जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 4 में आपका स्वागत है। छुट्टियाँ खूब बिता ली होगी, आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा, है ना। अब थोड़ी सी पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। कोरोना काल की वजह से आप लोगों की पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, है ना। अगर जिन बच्चों ने छुट्टियों में पढ़ाई की है उनको बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं की है तो वो अभी से शुरू कर लें। जो भी काम आपको दिया जाएगा वीडियो के द्वारा, उसको आपको कॉपी के अंदर लिखना है और साथ ही साथ उसको याद भी करना है। ऐसा नहीं कि भाई मैम ने तो लिखने को बोल दिया, बस लिख दिया और छुट्टी, नहीं, ऐसा नहीं। लिखना भी है और साथ साथ उसका रिवीजन याद भी करना है, ठीक है। अब पिछली कक्षा में आपने गिनती तो सीखी ही होगी, ऐसा नहीं है कि गिनती आती नहीं है किसी को, पर थोड़ा सा अभी कुछ गैप हो गया स्कूल के और घर के बीच में, है ना। तो थोड़ी सी पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो गई है, तो थोड़ा सी दिमाग की कसरत कर लेते हैं, फिर से हम डिवीजन कर लेते हैं गिनती का, ठीक है। तो उसके लिए हमें 500 तक की संख्याओं का अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब ये एक बॉक्स दे रखा है, उसमें कुछ खाली जगहें दे रखी है, ठीक है। तो संख्या से अगली संख्या हमको लिखनी है। तो 227 के बाद हमने 228 लिखा, फिर 229, 230 लिखा वही है, है ना। 230 के बाद अगली संख्या पहचानना आसान हो गया, 231, फिर 232, 233 और 234। ऐसा ही दूसरे बॉक्स में भी ऐसे ही है, 476, 476 के बाद 477, 478, 479, 480, उसके बाद हमने लिखा है 481, 482 और 483, ठीक है। फिर तीसरे बॉक्स में भी ऐसे ही करना है हमें, 156 है तो 157 हो गई अगली संख्या, 158, 159, 160, 161, 162 और 163, ठीक है बेटा। ये हो गई हमारी खाली जगह भर ली हमने, है ना। 100 से लगा के 500 तक की गिनती हमने इसका दौरान कार्य कर लिया। अब ये काम आपको याद करना है और कॉपी के अंदर भी लिखना है, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है ना। चौक अगर एक लाइन की कॉपी है तो भी खुले खुले अक्षर लिखना, और चौकड़ी वाली कॉपी है, है ना, बॉक्स वाली, तो उसके अंदर भी आपको अच्छी सी जमा जमा के लिखना है। राइटिंग के भी अलग से मार्क्स होते हैं, सुंदर सुंदर अक्षर लिखोगे तो आपकी तारीफ ही की जाएगी, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न है कि भाई हमें खाली जगह दे दी और उसके बाद संख्या दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि संख्या से पहले संख्या कौन सी आएगी वो हमें ज्ञात करना है ना। तो यहाँ दिया हुआ है 368, 368 से पहले कौन सी संख्या आएगी बताओ जरा, 367। तो कौन सी संख्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 367। अब 370 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 369, ठीक है। 208 से पहले कौन सी संख्या आएगी, 207। 276 से पहले 476 से पहले आएगी 475। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज मत हो जाना कि 368 के बाद मैडम 369 आता है, नहीं, इससे पहले जो संख्या आएगी, है ना, जैसे 2 से पहले 1 आता है, 3 से पहले 2 आता है, तो वैसे ही हमें ये आगे की, ठीक है, बाद वाली संख्या ज्ञात करनी है। 182 से पहले 181 आएगा, ठीक है। अब इधर तो थी पहले की संख्या लिखनी थी हमें, अब यहाँ क्या दिया है, संख्या दे दी और उसके बाद संख्या खाली जगह दी है हमें, तो संख्या से आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी वो हमें लिखनी है यहाँ पे। जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, वैसे ही इसमें भी आगे की संख्या लिखनी है। यहाँ दिया है हमें 453, तो 453 के आगे कौन सी संख्या आएगी, 454। 307 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 308। 218 के बाद 219। 332 के बाद 333। 156 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 157, ठीक है। तो ये वाला काम भी आपको कॉपी में करना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक आप लोगों को कॉपी में करना है। इस पे होमवर्क की मैं पिक भेज रही हूँ आपको, अच्छे से जमा जमा के सुंदर राइटिंग में आपको ये काम करना है और इसी प्रकार के प्रश्न और भी हल करने हैं, ठीक है।